गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको लेसन नंबर 6 से की दोहराहन करा रही हूँ। लेसन नंबर 6 है हमारा परिवार। परिवार की सभी को आवश्यकता होता है। परिवार के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, अकेले अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, वो जी नहीं सकता। तो परिवार को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि परिवार कहते किसे हैं, जिसमें मम्मी पापा उनके बच्चे सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। अब परिवार के अलग अलग भागों में बांटा गया है, छोटा परिवार, बड़ा परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब छोटा परिवार क्या है, जिसमें माता पिता एक से दो बच्चे साथ रहते हैं। अब उसके बाद अब बड़ा परिवार, जिसमें माता पिता दो से तीन बच्चे साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार, जैसे कि आपको फोटो दिखाई गई है, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई उनके बच्चे बुआ दादा दादी सब एक साथ मिलके रहते हैं, जिसे ज्वाइंट फैमिली भी कहा जाता है। सब मिलके एक साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एकल परिवार। एकल परिवार जिसे मम्मी पापा और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। अधिकतर एकल परिवार बनने का कारण क्या है कि आजकल परिवार में माता हो या पिता हो दोनों ही जॉब करते हैं, ठीक है, और वो काम की वजह से शहरों में आके अपनी फैमिली को अलग रहकर रहते हैं। तो जो जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उन्हें एकल परिवार कहा जाता है। समझ गए आप? अब आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखें। परिवार क्या है? जहां माता पिता उनके बच्चे तथा परिवार के अन्य सदस्य साथ साथ रहते हैं वह परिवार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं वह परिवार कहलाता है, या फिर उसे परिवार कहते हैं, ठीक है बेटा। जहां माता पिता उनके बच्चे तथा परिवार के अन्य सदस्य साथ साथ रहते हैं वह परिवार कहलाता है, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न आ गया कि एकल तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। अब मैंने आपको बताया कि जिस परिवार में केवल माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं एकल परिवार। क्या कहते हैं? एकल परिवार। और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? जिसमें माता पिता उनके बच्चे चाचा चाची और ताऊ ताई उनके बच्चे बुआ दादा दादी सब मिलकर साथ में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त परिवार, जहां सब मिलकर एक साथ रहते हैं। तो ये संयुक्त परिवार है शहरी क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जहां सभी मिलकर एक साथ रहते हैं। एक बार प्रश्न दोहरा देंगे। जहां माता पिता उनके बच्चे तथा परिवार के अन्य सदस्य साथ साथ रहते हैं वह परिवार कहलाता है। एकल तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है? जिस परिवार में केवल माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं उन्हें उसे एकल परिवार कहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। जिस परिवार में माता पिता उनके बच्चे चाचा चाची ताऊ ताई उनके बच्चे और बुआ दादा दादी बुआ साथ में रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। बुक में भी डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छा बता रखा है। परिवार सब एक साथ है, फिर छोटा परिवार, फिर बड़ा परिवार यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ठीक है। आप अच्छे से इस लेसन को एक बार और पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। मैंने आपको अभी दो ही क्वेश्चन आंसर कराए, और एक्टिविटी जो भी इसकी है मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू बेटा।